आपको ये लेवल दिए थे गाइस और लेवल्स ने अच्छे तरीके से काम किया मोस्ट प्रॉबली मार्केट हमारी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर रहा कुछ ज्यादा खास मिला नहीं जो साइडवेज था मैंने बोला था ऑप्शन सेलर का दिन रहेगा मार्केट ऊपर गई और सेम पोजीशन पर आकर बंद हुई है ठीक है तो नील बटे सन्नाटा ऑप्शन सेलर्स ने काफी अच्छी बेसिकली पैसे बनाए होंगे चाइडल के अंदर भी काफी अच्छे पैसे बने मैं बेसिकली फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग नहीं कर रहा था और सेकंड हाफ में मैंने ट्रेडिंग करने की कोशिश की थी लास्ट में हमें टू फोर्टी फाइव की कर्नल का जो मूव मिला है ये टू फोर्टी फाइव कर्नल की ट्रेड बनी थी वो स्ट्रेटजी अगर आपने नहीं देखी है तो भाई क्या ही देखा है अभी जाओ और यूट्यूब के चैनल पर टू फोर्टी फाइव स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है जाके देखो उसका फायदा उठाओ काफी अच्छी तरीके से काम करती है और फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्सटी सिक्स के नीचे क्लोजिंग दिया मार्केट ने अच्छा खासा मूव पिक क्लोजिंग ठीक है निफ्टी की बात करें तो निफ्टी वर्ज ऑन अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर इसकी भी बात करेंगे ये क्या सीनारियो बन रहे हैं किस तरीके से टारगेट क्या नीचे की तरफ आ रहे हैं ऊपर की तरफ आ रहे हैं मार्केट अभी बुलिश दिखा रहा है यूएस मार्केट भी बुलिश दिखा रहा है क्या हो सकता है सारे लेवल करते हैं डिलीट और एक एक करके बात करते हैं क्या हो सकता है इस देखो, निफ्टी की क्लोजिंग तो ऑफकोर्स बुलिश है डेली की कैंडल पे देखेंगे तो आज की जो कैंडल बनी है दिस इज मर बोलते हैं इसको है called, it, uh, candle, so, बहुत सारे लोग लेकिन नहीं बिकॉज इट इज कमिंग ठीक है सो शूटिंग स्टार कैंडल ना डेली कैंडल बहुत वो होती है अगर ये रेड कलर की होती है तो बहुत अच्छा था लेकिन इस कैंडल का लो बहुत मैटर करता है अगर ये लेवल का लो टूटता है टूटता है तो भाई बिंदा सेल मारना मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है और मार्केट को नीचे आना है पाँच से छः ट्रेंड सेशन के अंदर गिरना है क्यों गिरना है लगा लेते हैं अपनी सेटअप और देखते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है ई और यहाँ पर ई एम लगा लूँगा मैं दो एक लगाऊंगा और टेन लगाऊंगा ट्वेंटी टेन ई एम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एट ओके ईम आई लगाएंगे हम इनपुट में आ जाएंगे ट्वेंटी तो तो टच करने आना है इसने भी एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया है और यहाँ पर अगर हम कैंडल का कैलकुलेशन करते हैं तो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व और आज की जो कैंडल बनी है टच करने के लिए जो अभी आप नंबर देख रहे हैं वो है फोर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड नाइनटी थ्री दैट मीन मोटा मोटा अगर लेके चले तो फोर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड का लेवल है जो टेन ई एम ए का है एटलीस्ट ये तो टेस्ट होना चाहिए कितने हो चुके हैं अभी अगर आप देखेंगे तो या कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मुझे लगता है कि से सत्रह कैंडल के अंदर ये को टच करना चाहिए तेरा कैंडल ऑलरेडी हो चुके हैं चौदह पंद्रह सोलह सत्रह चार दिन अगले चार से पांच दिन मैक्सिमम लगेंगे इसको नीचे टच करने के लिए चार से पांच दिन अगर चले तो ये वन टू थ्री फोर फाइव तो एट एक्सपायरी से पहले पहले ये नीचे आ जा जाना चाहिए ठीक है एट्थ की पोजिशन बना रखी है हमने लेकिन आपको ना देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी एंट्री कहाँ लेनी है ठीक है बहुत सारे लोग मैंने आपको बताया कि मैं इलेवेंथ कैंडल के बाद में पोजिशन बनाना शुरू करता हूँ और मैं साथ के साथ बुक भी करता रहता हूँ मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट ऑलरेडी बुक कर रखा है यहाँ पर जब ये गैप डाउन हुआ था ये वाला गैप गा, डाउन हुआ था ये गैप डाउन हुआ था तो मैंने यहाँ पर बुक भी किया था ठीक है लेकिन इसका जो असली तरीका है मैं आपके साथ चार बार शेयर कर चुका हूँ और बार आज दोबारा बता रहा हूँ कैसे ट्रेड करने का जैसे ही आपकी टेंथ कैंडल निकलती है ये थर्टीन है ये है, है, ये ये है 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 अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहां पर हायर हाई बनने शुरू हो जाते हैं नाइन्थ और टेंथ कैंडल के बाद हायर हाइस हायर क्लोजिंग हायर क्लोजिंग मार्केट में अगर आप आ, ये देखोगे ये वाली क्लोजिंग जो है ये भी इसकी क्लोजिंग जब जब किसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आ जाए ना तो समझो कि मामला शुरू हो चुका है यहां पर देखोगे इस कैंडल ने भी बीच में ही क्लोजिंग दी है ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे क्लोजिंग देने वाली थी लेकिन मार्केट ऊपर चली गई उसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग 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 मिल गई है 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 आज की की जो आई आई वो भी कल की के आई है। तो इफ इन ऊपरऑल यू विल सी अभी तक हमें प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली है विच इज अ साइन कि मार्केट वहां से गिर सकती है जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलता है ठीक है लेकिन आप पोजिशन बनी हुई है एवरेज करते जाएंगे जैसे ज़... जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी और एवरेज करते रहेंगे और नीचे की तरफ इसको एक ही बार आना है। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए अभी मार्केट और बुलिश दिखा रही है क्योंकि निफ्टी के बाईस अट्ठारह का लेवल का जो टारगेट है निफ्टी बहुत स्ट्रांग है अभी वो अचीव करते करते अगर आप देखोगे आज कितने का हाई मारा एक बार देख लें निफ्टी ने कितने का हाई मारा 18678 678 ठीक है नाउ यार मेरी तरफ से तो देखो 19 बीस का चलता है इतना तो लगता है, है।, है। क्लोज हो जाएगी अगर निफ्टी को सोलह हजार सात सौ का टारगेट करना है तो वो कल ही होगा उसके बाद नहीं होगा मतलब उसके बाद मार्केट जाएगी लेकिन हाँ करेक्शन जरूरी है मंथली टारगेट जो रहा था मेरे ख्याल से हो चुका है और कल का दिन है एक और दिन अगर बोले शो तो ठीक है वरना ये जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल ही है हाइकनाशी के हिसाब से ये कैंडल रिवर्सल कैंडल नहीं है लेकिन हमारा जो अभी टारगेट निकल के आ रहा है इस वो याद रखना है कि एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी ये बहुत मेजर सपोर्ट है यहां पर मार्केट बाय है ठीक है यहाँ पर बाय करना है बाय के बारे में सोचना है निफ्टी को इसके लेवल्स में आपको दूंगा कल मार्केट फ्रेंडी रहेगी निफ्टी स्पेशली ट्रेंडी रहेगा बैंक निफ्टी माइट नॉट बी दैट ट्रेंडी बट हाउ आपको एक अच्छा मूव निफ्टी के अंदर आता हुआ दिखाई देगा सो so, अगर आप बाई साइड की मूव देख रहे हो तो आपको बैंक निफ्टी uh, के अंदर देखना है अगर सेल साइड का कोई सेटअप देख रहे हो तो बैंक निफ्टी के अंदर देखना है कल के लिए ठीक है और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा फोर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड और अगर इसने पंद्रह कैंडल तक नहीं किया और ये सत्रहवीं कैंडल तक जाता है याद रखना सत्रहवीं कैंडल तक जाता है तो ये ट्वेंटी एम ए को भी टेस्ट करेगा ये यहां पर नहीं रुकेगा सत्तरवी कैंडल तक भी जाएगा और नीचे की तरफ डेफिनेटली और नीचे की तरफ आ सकता है ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे फिर प्राइस एक्शन देखेंगे क्योंकि हमारी जो सेटअप है वो खत्म कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर लेकिन मुझे लगता है आने वाले दो से तीन दिनों में और मॉस माउस भी एक्सपायरी तक आपको ये टेन ई एम टेस्ट होती हुई दिखाई पड़ जाएगी ठीक है तो ये मेरा व्यू रहा और लेवल देख लेते हैं क्या लेवल से किस लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो कल के दिन ठीक है कैसे ट्रेड कर सकते हो टेन और ट्वेंटी ई एम का सेटअप भी काफ़ी अच्छी बुलिश सिग्नल देता है वैसे हाँ नाइन ट्वेंटी वन तो चलता ही है अपना नाइन ट्वेंटी वन कितने लोग यूज़ करें कमेंट सेक्शन में बताना बहुत अच्छे लोगों का रिस्पॉस आ रहा है मेरे को वैसे पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है और वो डेली के चार्ट के ऊपर नाइन नाइन ट्वेंटी वन ई एम ए का क्रासओवर लेकर ही बाय करते हैं और सेल करते हैं उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है चलो मैं जल्दी से वीडियो को स्किप करता हूँ और आपको लेवल बना दे देता हूँ फिर बना की तो निफ्टी के मुकाबले निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडी टुमारो मोरू निफ्टी उतना ट्रेंडी नहीं रहेगा लेकिन फिर भी इसके लेवल्स आपको देना बहुत जरूरी है के स्पेशली प्राइस लेवल की अगर बात करूँ आप सेल कहाँ कर सकते हैं फोर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड के नीचे बेसिकली फोर्टी थ्री थाउजेंड अगर टूटता है यार फोर्टी थ्री थाउजेंड ये जो लो है ये अगर गैप डाउन दिखाई देता है तो फोर्टी थाउजेंड नाइन था, हंड्रेड सौ का तो हो गई इसके नीचे सेल की पोजीशन बनेगी फोर्टी टू थाउजेंड सेवन सेवेंटी और फोर्टी टू थाउजेंड फाइव एटी नाइन ठीक है ये लेवल आपके बनते हैं टेन ई ए का ध्यान रखेगा वहाँ तो से एक बार बाउंस आने की कोशिश करेगी बाई के लेवल बनते हैं सिर्फ फोर्टी थ्री थाउजेंड टू थर्टी एट के ऊपर इसके ऊपर फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर वन सेवन और उसके ऊपर फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव फिफ्टी एट मोर लाइक अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहती है तो ये नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगी ओनली वन कंडीशन वेरेंट दिस विल बी अ ट्रेडिंग जोन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ पर रजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरती है तो यहाँ पर आप सेल की पोजिशन बना सकते हैं ये ट्रेडिंग जोन बन जाएगा या मार्केट गैपडाउन खुलती है और यहाँ से स्पॉट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर बाई की पोजिशन बनेगी अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इस जोन में रहती है तो आपको नो ट्रेडिंग जोन में ही कंसिडर करना है इसको ट्रेड नहीं कीजिएगा यहाँ पर बाई पोजिशन यहाँ पर सेल पोजिशन और कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जो जो लेवल्स पे भी खेलेंगे वो भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं निफ्टी की अगर मैं बात करूँ निफ्टी की ये लेवल्स है। कल ये ट्रेंडी रहने वाला है हमारी जो स्ट्रैटेजी है टू फाइव एट ठीक है टू फाइव एट जो स्ट्रैटी है वो कल काम करेगी निफ्टी के अंदर जितने लोगों ने ऑलरेडी सीख ली है वो कल ट्रेड कर सकते हैं टू एट को एटीन थाउजेंड आपका पहला टारगेट बाई का लेवल रहेगा इसके ऊपर बाई की पोजिशन बनाना एटीन का पहला टारगेट 18,807 आपका फाइनल टारगेट रहेगा नीचे की तरफ 18,550 थाउजेंड लिखा हुआ है यहाँ पर लेकिन 550 का लेवल है साइकोलॉजिकल वो जोन अगर तोड़ता है क्योंकि ये जोन है ये 550 की जोन तोड़ता है तो 18,490 50 पॉइंट यहाँ पर और उसके नीचे 18,429 420 का जो लेवल है बस इसके ऊपर मतलब समझ लेना यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है तो इसको मैं कलर कर देता हूँ पर्पल 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 जोन है इसको याद रखना एट फोर्टी नाइन थर्टी जो जोन है ना ट्वेंटी चार सौ बीसी वाली ये चार सौ बीस कर जाएगी यहाँ से ये जो कैंडल बनी थी ना ए वाली यहाँ पर भी बाउंस आया था यहाँ पर भी ये सेम चीज़ कर सकती है तो यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है दिस इज दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी साथ के साथ गाइज आपके डिमांड uh, के ऊपर एल्गो की जो स्ट्रेटेजीज हैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन स्ट्रैटेजी वो एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी लाइव हो चुकी है okay. एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी लाइव हो चुकी है आप एप्लीकेशन में जाकर बाय कर सकते हैं सारे कोर्सेज के साथ में ये रहा एल्गो ट्रेडिंग हैक फॉर क्वान्टिप्लाई कैसे आप उसको यूज कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंशन है और अगर आप यहाँ पर कॉन्टेंट में जाके देखोगे तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है आपको दो की जगह तीन स्ट्रेटेजीज दिए ठीक है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कैसे क्वांटिप्लाई के साथ में रजिस्टर कर सकते हो उसके बाद में एल्गो ट्रेडिंग टेन परसेंट मंथली रिटर्न जो आपको देती है एक वो है एल्गो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी भी दी है मैंने आपको जो एक्सपायरी की स्पेशल है और सेल बी टी एस टी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी ये तीनों ये चारों स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी एल्गो से रिलेटेड इफ यू बाय एंड यूज़ इट इन क्वांटिप्लाई यू कैन इवन यू कैन इफ़ यू आर यूजिंग एनी अदर एल्गो सर्विस अगर आप ऑलरेडी कोई एल्गो सर्विस यूज़ कर रहे हो किसी वेंडर का ठीक है उसके अंदर भी इसको आप कोड कर सकते हो उनके हिसाब से देख लेना उनका कौन सा प्लेटफॉर्म है बट स्ट्रैटी आपको सीखना की ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप एल्गो में ऑटोमेटिकली अपने आप को कोड कर सकते हो बना सकते हो और उसका पूरा प्रोसेस इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है तो डेफिनेटली इन वीडियो को देख लीजिएगा buy करके आप यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल फॉर फॉर अ मंथ और आप बाई कर सकते हैं काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बाई किया यूज कर रहे हैं सो इट्स देर सो आई initial टेन फिफ्टीन डेज उसके बाद में फुल प्राइस पर भी ये भी चला जाएगा ठीक है तो ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्लस जो ग्यारह तारीख को हमारी वर्कशॉप होने वाली गाइस वो इट्स ऑल्सो देर विच इज ऑप्शन मास्टरी वर्कशॉप तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और सब कुछ सीखना चाहते हैं जितना भी कुछ मिला है रुद्रा मनी मैगनेट स्ट्राटी गोल्डन सेटअप ठीक है टू फाइव एट फोर ट्वेंटी थ्री 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 पाट थ्री ठीक है चिराग हैक ये सब कुछ आपको एक ही ट्रेडिंग वर्कशॉप में देख सीखने को मिलेगा ऑप्शन से रिलेटेड वॉट इज ऑप्शन वट इज़ फ्यूचर हाउ टू हैज हैजिंग बेस्ड स्ट्रैटेजीज सेलिंग बेस्ड स्ट्रैटेजीज बाइंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज सब हम करेंगे इलेवंथ ऑफ दिसंबर को और उसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है गाइस वो खत्म हो जाएगा एक तारीख तो, uh, को तो थर्सडे इज द लास्ट डे जो वर्कशॉप के डिस्काउंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो आप उसके ऊपर क्लिक करके बाय कर सकते हैं और जॉइन uh, uh, कर सकते हैं एलेवेंथ दिसंबर का ऑनलाइन वर्कशॉप सोट डजेंट मैटर आप कौन से पार्ट में हो इंडिया के आप ऑनलाइन जूम सेशन अटेंड करके सीख सकते हैं संडे वाले दिन जो छुट्टी वाला दिन होता है सो so, इस बात का रखना ध्यान फिर मुलाकात होगी मार्केट के अंदर uh, कल बी आई पी में लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब तक के लिए हंसते रहिए हंसाते रहिए मार्केट से पैसा कमाते रहिएगा